हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑल आई सी इज यू, ये 2016 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी जो स्टार्टिंग में रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ शुरू होती है, स्लोली स्लोली एक डार्क टर्न लेती जाती है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें कपल दिखाया जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है जीना, उसके हस्बैंड का नाम है जेम्स। कैरेक्टर्स की मोटिव जानने के लिए इनकी रिलेशनशिप में हम डीप डाइव करेंगे। मूवी शुरू होते ही हमें पता चल जाता है कि जीना ब्लाइंड है। आज जीना को उसके सिस्टर का कॉल आया, जिससे हमें पता चलता है कि आज ही के दिन उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। इसी एक्सीडेंट में जीना ने अपनी आंखें खो दी थी। इस एक्सीडेंट को बहुत सारे साल हो चुके हैं, इसके जख्म अब तक भरे नहीं। आज जीना के आईज को दिखाने के लिए ये डॉक्टर के पास जा रहे थे। जेम्स जीना से बहुत ही प्यार करता है, तो जरा नर्वस था क्योंकि आज उन्हें पता चलेगा कि क्या जीना फिर से देख सकती है या नहीं। डॉक्टर ने आईज वगैरह चेक किए। जीना का एक आई पूरा बर्बाद है, पर एक आंख से वो कुछ ना कुछ देख पाएगी। ये दोनों इस न्यूज से बहुत ही खुश थे। ऑपरेशन के लिए ये वेटिंग लिस्ट में है। जीना बहुत ही अच्छा गाती है और गिटार भी अच्छा बजाती है, तो एक छोटी लड़की को वो लेसन दिया करती है। जीना बेचारी कुछ देख नहीं पाती और अपने काम करते करते जेम्स को अपने ऑफिस में जरा लेट हो जाता है। कभी कभी जीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जेम्स के घर आने पर उसे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जेम्स के घर आने पर जीना ने जेम्स को पास बुलाया, पूछा, तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखना पड़ता है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? जेम्स कहता है, तुम्हारा ख्याल रखने से मुझे स्पेशल लगता है। नेक्स्ट डे जीना स्विमिंग पूल गई हुई थी, वहीं पर शावर लेते हुए उसका पीरियड आ गया। उसकी फ्रेंड इसके लिए उसे हेल्प करती है। जो भी आज हुआ कि वो अपना खुद का ब्लड देख नहीं पाई, इस बात से वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस थी। जेम्स घर पर आया तो उसने एक झटके में पहचान लिया कि हुआ क्या होगा। उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। ये दोनों फिर क्लब आए। जीना बहुत डांस करती है, जेम्स को भी फोर्स कर रही थी, पर जेम्स को डांस करना अच्छा नहीं लगता। वो इस पर गुस्सा हो गया, कहता है कि हम सब पागलों की तरह लग रहे हैं। जीना का भी मूड चला जाता है, वो उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहती है। जब वो वापस आए तो जेम्स आसपास नहीं था। उसे पुकारती है, चिल्लाती है, पर जेम्स उसे आवाज नहीं देता। उसे एज अ पनिशमेंट तड़पता देख रहा था। बाद में उसके पास आ गया। आज रात जब घर पर आए तो जीना को हॉस्पिटल से कॉल आता है, आज उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और जीना ने जेम्स को फर्स्ट टाइम देखा। ये दोनों बहुत खुश थे। जीना ने वर्ल्ड जिस तरीके से इमेजिन किया था, ये जरा अलग था। वो कहती है, तुम जरा अलग लगते हो। जेम्स ने पूछा, क्या तुम्हारी इमेजिनेशन से कुछ गलत हो, क्या मैं सही नहीं लगता? जीना कहती है, तुम बहुत अच्छे लगते हो, बस सिर्फ जरा डिफरेंट हो। डॉक्टर ने इन्हें आई ड्रॉप्स वगैरह दे दिए थे। जीना कहती है, ये सब कुछ कितना कलरफुल लग रहा है। जेम्स उसे फिर और भी ज्यादा कलर्स दिखाने के लिए डायरेक्टली फूलों के मार्केट में लेकर आया। ये डे जीना के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था। जब वो घर आए तो उसे अपना पूरा घर ही अलग लगता है। उसे नहीं लगता कि उसका खुद का घर है। जेम्स जीना के पास आया, कहता है, अब हम हॉलीडे के लिए जाएंगे। जहां पर वो अपने हनीमून के लिए गए थे वहीं पर फिर से जाने वाले हैं। जीना सरप्राइज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। रात में दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। जीना अब सब कुछ देख सकती है, तो जेम्स को बहुत ही अजीब लगा। जीना भी ये सब कुछ समझ गई। अगले दिन अपने हॉलीडे के लिए निकल पड़ते हैं। जेम्स ने कहा कि हमारे हनीमून पर हमने जो रूम बुक किया था वही रूम मैंने फिर से बुक किया है। यहाँ का नजारा जीना को बहुत ब्यूटीफुल लगा। उसे लगता है कि उनके हनीमून से ये रूम जरा अलग है। जेम्स बता रहा था कि सेम है, पर जीना कहती है कि मैंने इसे फील किया है, ये वो नहीं। अगले दिन ये दोनों बोटिंग के लिए आए। जेम्स चाहता था कि दोनों एक ही बोट में बैठे। जीना को अब आंखें मिली है तो खुद एक्सप्लोर करना चाहती है। वो सारा नेचर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ती चली गई। रात में फिर ये दोनों डिनर के लिए आए। जब जीना ड्रिंक लेने के लिए गई तो किसी स्ट्रेंजर के साथ बात कर रही थी, ये जेम्स को अच्छा नहीं लगता। वो वापस आए तो जेम्स पूछता है कि वो कौन था। जीना ने कहा कि वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर आया हुआ है। हमारे हनीमून पर हमारे पास जो रूम था ये अब उन्हें मिला है। जेम्स अभी मानता नहीं, तो जीना कहती है, हम मैनेजर से बात करते हैं। जेम्स ने फिर कहा कि मुझे पता है, इसलिए उसने झूठ कहा था।
उसे सिर्फ सब कुछ चीजें परफेक्ट चाहिए थी, इसलिए वो झूठ कह रहा था। रात में जब ये दोनों घर पर आ रहे थे तो एक कपल को पैशनेटली इंटीमेट होता देखा। जीना भी जेम्स के साथ आज यही सब करना चाहती थी। उसने उसके हाथ टाई कर दिए। ये जेम्स को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। जीना उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है, पर जेम्स बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था। ये सब चीजें वो रिकॉर्ड भी कर रही थी। अगले दिन फिर ये दोनों जीना की सिस्टर से मिलने के लिए गए। ये दोनों सिस्टर मिलकर बहुत खुश थे। सिस्टर का हस्बैंड ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो हमेशा एडल्ट जोक वगैरह करता रहता है, तो जेम्स को इससे जरा अनकंफर्टेबल लगता है। रात में ये सब घूमने के लिए जा रहे थे। जीना ने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना, पर ये जेम्स को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि ज्यादा रिवीलिंग है। उसने उसे कहा कि पहले तो तुम कभी भी ऐसे कपड़े पहना नहीं करती थी। जीना ब्लाइंड थी तो अपने आप को उसने डिस्कवर नहीं किया था, तो अब वो यही करना चाहती है। वो जेम्स को कहती है, ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। रात में घूमते घूमते एक स्ट्रिप क्लब जैसी जगह पर ही गए। जीना जेम्स को उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर जेम्स कहता है कि मैं बाहर ही रुकता हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। ये जब वापस आए और स्ट्रीट से चल रहे थे तो जीना को किसी ने छेड़ा। इस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। जीना के सिस्टर के हस्बैंड ने इन लड़कों को बहुत मारा। जीना गुस्सा थी कि जेम्स ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। रात में जीना की सिस्टर और हस्बैंड इंटीमेट हो रहे थे। जीना और जेम्स का झगड़ा हुआ है तो सिर्फ ये आवाज सुनते हैं। अगले दिन ये सब मिलकर जीना के पेरेंट्स का एक्सीडेंट जहां पर हुआ था उस जगह पर जाकर आते हैं। जीना इस जगह को फिर से देखकर अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहती है। इसके बाद इनका हॉलीडे खत्म हुआ। जीना घर आने पर कहती है, हमें कहीं और रहने के लिए जाना चाहिए, ये घर उससे अपना नहीं लगता। जेम्स इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, उसे तो सब कुछ ठीक ही लगता है। रात में जीना के सोने के बाद जेम्स ने उसका टैबलेट चेक किया। जेम्स के साथ इंटीमेट होते वक्त उसने रिकॉर्ड किया था। ये उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, पर उसने एक चीज इस टेप में नोटिस की, वो थी कि जीना ने अपने आग पर जरा हाथ लगाया था। ऑपरेशन के बाद अभी भी उसे थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। जेम्स चाहता है कि उन्हें एक बेबी हो, पर इसके लिए उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये फिर डॉक्टर से चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर जेम्स से कहते हैं, तुम्हारा स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, शायद तुम कभी फादर बन नहीं पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीना पार्क में आई हुई थी। यही पर वो डैनियल से मिलती है। डैनियल उसके स्विमिंग पूल पर काम करता है। उसे पता चला कि जीना अब सब कुछ देख सकती है। वो उसे कॉफी के लिए पूछता है, पर जीना ने उसे मना कर दिया। आज